यहाँ देखो ये है सीन, पापा रो रहे हैं, बेटी के गले लग गए, दामाजी हंस रहे हैं और ये मेरे ख्याल से लास्ट ही हंस रहे होंगे। तो जब दीदी को आपने देखा पहली बार, क्या आपको हुआ कि मतलब यार ये तो छोड़ गया था। दिव्या भी तभी से जानती है दीदी को, चार धाम की यात्रा से, है ना? जानती तो मैं पहले से ही थी दीदी को, क्योंकि दीदी कभी कभी माँ के साथ कीर्तन में आती थी प्रसाद खाने। ये देख सकते हैं यहाँ जीजू दीदी को रिंग पहनाते हुए, और रिंग कैसी थी वो भी हम दिखा देते हैं। एवरीवन, एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राहुल कुरियाल में। और आज स्टार्टिंग में ये दो बच्चे इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि आगे जो ब्लॉग की बात होने वाली है उसमें ये दो बच्चे कहीं नजर नहीं आएंगे, इसलिए इन्हें शुरू शुरू में ले रहा हूं मैं। आज ब्लॉग में हम लोग बताने वाले हैं आपको दीदी और जीजू की स्टोरी, कि कैसे वो मिले थे और कैसे शादी हुई थी, तो सब आपको पता चलेगा। आपको शादी की एल्बम भी दिखाएंगे आप लोगों को। सभी लोग अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखो पापा मम्मी दीदी जीजू सब यहीं पर है। तो जानते हैं आगे की क्या थी इनकी स्टोरी। गाइस जो नए जुड़े हैं हमारे साथ, मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये है मेरी दीदी, सबसे बड़ी दीदी, और ये है जीजू, और इनकी शादी हुई थी 2010 में। तो शादी से पहले की कुछ बातें जानेंगे इनसे। तो जीजू आप बताओ कि जब दीदी को आप देखने आए थे, कौन सा रिश्ता था आपका, मतलब कौन सी लड़की थी जो आपने देखी थी दीदी से पहले, कोई लड़कियां देखी थी आपने शादी के लिए? नहीं, मैंने फर्स्ट एंड लास्ट ही देखी, उससे पहले मैंने कोई लड़की नहीं देखी। अच्छा, और दीदी आपने? मेरे लिए रिश्ते तो बहुत आए, मैंने बड़े लड़के देखे। हाँ यार, ये कौन सी पसंद किया नहीं किसी ने आपको? मैंने रिजेक्ट कर दिया सबको। तो मम्मी बताएगी, तो मम्मी कितने रिश्ते आए होंगे दीदी के लिए? रिश्ते तो बहुत आते थे लेकिन बात नहीं जमी, जन्म पत्री नहीं जुड़ती थी इसकी। अच्छा। क्योंकि इसका सातवां मंगल था। हाँ। और कोई लड़का ऐसा मिला नहीं, एक दो जगह मिले तो वहाँ जचानी, तो बस ऐसे करके फिर इनकी जन्म पत्री जुड़ गई दोनों की। और अचानक ही जिस दिन 26 जून को ये देखने आए, उससे पहले 22 जून को भी पूजा को देखने तीन लड़के आए थे इकट्ठे धीरे से के। अच्छा, ये वो हो रहा था स्वयंवर, ये मेरा स्वयंवर था। और हम के उस टाइम उत्तरकाशी में, और उत्तरकाशी में जब तेरी जेठी माँ का फोन आया कि आज तीन लड़के आए लगे लाइन में, पूजा ने कहा चाचा जी अब तो स्वयंवर कर दो, पर इसकी जन्म पत्री नहीं जुड़ती थी कहीं। तो दीदी मांगलिक थी, इस वजह से जन्म पत्री में सतमंगली, वो भी इस वजह से बहुत दिक्कत आती थी जन्म पत्री जुड़ने में। तो जीजू को आप पहले से जानते थे, जीजू के घर वालों को? हाँ। और कैसे बात बनी कि जीजू लोग? नहीं नहीं, जीजू को मतलब दीदी के सास ससुर को तो मैं पहले जानती थी, क्योंकि पूजा के जो सास है वो तेरी जेठी माँ की ननद है। हाँ। चचे ससुर जी की लड़की। हाँ। और भाई जी को भी हम अच्छे ढंग से जानते थे इसके ससुर जी को। और इसीलिए जो है मम्मी पापा जो है मेरे सास, मतलब मेरे सास ससुर और मम्मी पापा आपस में समधि समधन का रिश्ता है, पर बोलते नहीं है। मेरी सास जो है मेरी मम्मी को भाभी जी बोलती, पापा को भाई जी बोलते हैं, और तुम लोग भी बुआ जी बोलते हैं। तुम्हारे तो बुआ और मामा जी है। मैंने बच्चे नहीं देखे थे, कोई भी बच्चा नहीं देखा था मैंने। अच्छा, तो मैंने आनंद को सबसे पहले उसी दिन देखा जिस दिन देखने आए हम, चार धाम यात्रा करके आए थे। तो जो मेरी पूरी मंडली गई थी, हम 52 जन, मैं भी गई थी और दिव्या भी थी उसमें, 52 जने थे हम जब हम वहाँ गए थे चार धाम यात्रा। 1 से 11 तारीख तक हम गए थे, तब मुझे मेरी शादी करने के लिए चारों धामों की यात्रा करनी पड़ी। तो मतलब इतने कर्म खराब थे दीदी के कि चार धाम की यात्रा करवानी थी उन्होंने मम्मी पापा और सबसे। मैं तो कहती हूँ जितने भी रिश्ते हुए, अनुज की बार गई मुखे, तेरी बार गई तो वृंदावन होके आए थे, मतलब हम सबकी शादियों में कहीं ना कहीं धाम में भगवान के यहाँ सब होके आए। मामा मामा पार्वती की तपस्या सफल हो गई। केरी पार्वती की तपस्या सफल हो गई। और मेरे ख्याल से दिव्या भी तभी से जानती है दीदी को, चार धाम की यात्रा से, है ना? जानती तो मैं पहले से ही थी दीदी को, क्योंकि दीदी कभी कभी माँ के साथ कीर्तन में आती थी प्रसाद खाने, ढोलक बजाने ऐसे आ जाती थी दीदी कभी, जैसे आ गई तो हम देखते थे, फिर मैं देखती थी अरे यार दीदी को तो ढोलक, बड़ी मैं एक्साइटेड होती थी दीदी को देख के। एक दो दीदियां और थी
तो की अरे वाह इनको तो ढोलक भी बजाने आते हैं, हम इन्हें देखते रहते थे बैठ के क्या कर रहे हैं। बॉन्ड जो है वहीं हम 10-11 दिन साथ में रहे और काफी मतलब हमने बॉन्ड हमारा काफी स्ट्रॉन्ग रहा। उसी के बाद ये लोग आए तो हमने सुना की पूजा दीदी का रिश्ता हो गया। जब तुम चार धाम यात्रा से हम आए थे हाँ। तुम लोग सारी दिल्ली आ गए और मैं वहाँ से उत्तरकाशी चली गई थी। उत्तरकाशी से हम 26 जून को दिन में 3 बजे पहुँचे और शाम को उसी दिल्ली देखने आ गए। मेरी सास जो है हमारी कॉमन फैमिली वेडिंग थी जिसमें हम तो थे ही, हमारे सास लोग भी इनवाइटेड थे तो वहीं पे मेरी सास ने फर्स्ट टाइम मुझे देखा था। उस टाइम भी कीर्तन हो रहा था ना, मम्मी कीर्तन में थे हम लोग तो वहाँ पे माँ जी ने मुझे फर्स्ट टाइम देखा था और शायद पसंद भी कर लिया था। माँ जी मुझे बताती है कि मुझे मतलब पसंद कर लिया था उन्होंने वहीं पे। अच्छा कीर्तन में किसी की शादी में मधुबन रश्मि दीदी की कुसुम के। अच्छा कुसुम दीदी की शादी में आपको पसंद कर लिया था। तो फिर आप बताओ जब 26 जून को मिले आप दोनों तो जीजू आप मतलब पहले क्या चाह रहे थे कि कैसी होनी चाहिए धर्म पत्नी? आपकी हाइट वाइट इतनी तो दीदी आई होगी वो पिद्दी सी है, एक्सपेक्टेशन तो पहले आपने कहा होगा अरे यार ये छोटी सी। बायोडेटा में लिखा होता है लड़की की हाइट है भैया, वो तो पढ़ ली होगी। बायोडेटा तब था देखा ही नहीं। तो जब दीदी को आपने देखा पहली बार क्या आपको हुआ कि मतलब यार ये तो छोटी है? चश्मे दीदी चश्मा भी लगा दी थी तब, भी लगा दी थी उस टाइम। तो फिर क्या बातें करी आप लोगों ने? तो पता है क्या मैं बताती हूँ, मेरे को बीमा मौसी लोगों ने इन्होंने बहुत बोला था लड़के वाले देखने आ रहे हैं, सच में बोला था मुझे मौसी कि तू बन के रहना ढंग से और चश्मा चश्मा मत पहनना, आजकल लड़के पसंद नहीं करते चश्मा। मैंने बोला भाई मेरे को किसी ने पसंद करना होगा तो ऐसी कर लेगा, नहीं करना होगा तो जाए अपने घर जय राम जी की। तो मौसी ने बोला कि नहीं अच्छे से बन के जाओ बहुत मेकअप। तो ऐसे मैंने कुछ भी नहीं किया था क्योंकि मेरे को ये था कि भाई बाद में तो असली रूप सामने आने ही है, अभी तुम कुछ कर भी लोगे तो सही बात। तो इसलिए पहले ही डर जा। इसने इसको मैंने कहा कि सफर से आए मुंह तो धो दे, तो इसने मेरे को एकदम डांट के कहा मम्मी जिसके घर में मैं जाऊंगी मैं वहाँ 24 घंटे तैयार होके थोड़ी रहूंगी तो ऐसी ना जैसे घर में हूँ। और जीजू ने देखते बोला बैटरी। तो पहले मतलब मिलना जुलना होगा घर वालों का, उसके बाद आपको जब बोला होगा कि चलो बात करो तो क्या क्या पूछा आपने? मौसी जी के ड्राइंग रूम में हम बैठे हुए थे जो बड़ा वाला कमरा है तो वहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह जो भी लाए होंगे और वहाँ पे ना ड्राई फ्रूट्स रखे थे, मुझे सिर्फ इतना याद है कि ये सिर्फ ड्राई फ्रूट्स खा रहे थे। मुझे याद मैंने कहा ये लड़का ऐसे ड्राई फ्रूट ही खाना है, इसने कभी ड्राई फ्रूट नहीं खाया। अब इतना टाइम का याद नहीं है कि क्या पूछा था पर ऐसे कुछ, क्योंकि हमारा भी यही था मेरे भी माइंड में कि जब फैमिलीज राजी हैं जानते हैं दोनों को तो फिर क्या ही पूछना है अब। तो फिर मतलब आप दोनों को बातों में मतलब हाँ भी हो गई थी या फिर ये था कि अब बाद में बातें बूते में कुछ नहीं हुई थी? हाँ ठीक है अब हो गई बात, अब बताएंगे बाद में। हाँ तब जो भी बड़े लोगों ने डिसाइड किया होगा। तो जीजू घर जाके आपने क्या बोला कि मतलब ठीक है बात करने में ठीक ही है, छोड़ो कहीं हो नहीं रही तो इसी से कर लेते, लड़की की भी नहीं हो रही मेरी भी नहीं हो रही, मांगलिक दोनों ही है कर ही लेते। ये मांगलिक नहीं थे इनकी शायद मतलब ग्रह स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ग्रह थे जो मेरे ग्रहों को दबा रहे थे काट रहे थे तो हमारी मिल गई थी। अच्छा तो क्या घर जाके क्या बोला जीजू आपने? बोलना क्या था उनको मेंटली पूछा होगी कि जब दोनों फैमिली जो है आपस में जो है मिली रहे हैं तो कर लेते हैं सारे तो कर लेंगे। दीदी को कहा मामी जी अच्छा जा रही है नीचे आ जाओ, तो दीदी ने गेट पे पूछा जेठी माँ को। अच्छा दीदी कंफ्यूज कर रहे भाई मतलब दीदी मतलब मम्मी की दीदी, आपको कैसा लगा पूछा होगा? इन्होंने कहा नहीं ठीक है लड़की बस। मैंने पूजा को पूछा पूजा कैसा लड़का कैसा, कहती नहीं मम्मी आप कर रही तो ठीक है बस। और देखो भाई हमारी जो देखा दाखी सगाई और शादी सब मधुबन वेडिंग पॉइंट में हुआ जो मेरी जेठी माँ का, आपने कई बार ब्लॉग्स में देखा भी होगा। करता धरता भी वही थे, वही बिचौली भी कह सकते हैं आप इनको, सब कुछ उनके देख रेख में ही हुआ मतलब है। और फिर जानते भी थे पहले से, फैमिली से पहले जान, मम्मी तो कहती है मेरे ससुर जी को तो आप बहुत पहले से भी शादी, हाँ शादी यहाँ नहीं हुई थी क्योंकि भैया ऋषिकेश के थे तो शादी भी ऋषिकेश जाके ही करे भाई, ये लोग हुए नहीं यहाँ दिल्ली आने को तैयार थे हम ही चले गए। पर यहाँ कुछ प्रोग्राम तो करवाए थे, कीर्तन तो यही हुआ था कीर्तन हुआ। और दिव्या बता रही है कि कीर्तन में दिव्या भी आई थी है प्रसाद खाने। तू क्यों आ गई थी? खाया नहीं ना मैंने, ये ट्यूशन से आ रही थी इसे देखा मेरा ट्यूशन सेंटर ये था ना ये सामने ही कोने में हाँ। तो फिर मैं आ रही थी तो मेरे को मम्मी लोग बैठे हुए दिख गए तो मम्मी ने कहा आ जा तो मैं आ गई। और मैं दिखाता हूँ आपको सगाई की फोटो, दिखाता हूँ हमारे पास सगाई की फोटो है ये देख सकते हो आप,
4/7/2009 ये है सगाई की फोटो दीदी और जीजू के। तो यहाँ जीजू के जो है बाल कटे हुए हैं। जीजू बताओगे क्या बस पापा गंदे क्यों? उस समय हमारी फैमिली में एक दादाजी हैं वो एक्सपायर हो गए। अच्छा, तो जीजू के दादाजी एक्सपायर हुए थे इस वजह से ये आप बाल देख सकते हैं अभी कम है जीजू के। और जब देखने आए थे तब भी ऐसे थे आपके क्योंकि 8 दिन बाद ही? तब भी वैसे। अच्छा टोपी लगा के आए थे ना आप शायद? डाउट तो हुआ होगा दीदी को कि ये बाल कटवाए हैं कि है ही नहीं। वो पहले बता दिया था जिया जी ने। अच्छा, कि अभी उनके चाचा जी और 20 तारीख को उनके यहाँ 13वीं होगी, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि कब सगाई करनी। और 4 तारीख को डेट निकली थी तो ये देखो ऐसे लग रहे हैं शादी में सगाई में। तो दीदी नशा करके आई थी, नशेड़ी लग रही है थोड़ी सी। यहाँ देखो जीजू तो हाथ पीछे करके हर फोटो सिपाही। कितने लोग आए थे सगाई में? 61 बंदे आए थे जीजू लोगों की तरफ से। 61 बंदे आए थे और हमारी तरफ से 30 बंदे। नहीं, हमारी तरफ से तो ज्यादा थे, हमारे भी सब। तो मतलब 100+ में थे लोग, 100-150। तो यहाँ दीदी को ये अच्छी सी फोटो ढूंढ रही है अपनी। ये देख सकते हैं यहाँ जीजू दीदी को रिंग पहनाते हुए, और रिंग कैसी थी वो भी हम दिखा देते हैं। ये देखो ये वाली दीदी को पहनाई थी और ये वाली जीजू को पहनाई थी। और ये अभी भी पहनी हुई आप लोगों ने? नहीं अभी तो नहीं पहनी। और ये देख सकते हैं जीजू की मम्मी और हमारी मम्मी। तब मम्मी की मम्मी देखो, तब मम्मी कितनी पतली थी आज से 14 साल पहले। और ये दीदी के ससुर जी और पापा। पापा के बाल काले और मूछें सफेद थी तब। देख सकते मैं बताना चाहता हूँ, मैं भी चश्मा लगाता था और स्मार्ट तो मैं था, पर मतलब मैं दिखाता नहीं था सबको और किसी को कि मैं स्मार्ट। ये देखो ये देखो ये मैं कोई पहचान भी नहीं पा रहा होगा कि कौन है ये। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया पूरा। और अनुज का है, इन्होंने एक पेड़ के आगे पूरा फोटो शूट करवा दिया दीदी और जीजू ने। पेड़ तो बदल लेते भाई। ये रहा अनुज। और अनुज देखो अब ऐसा है मेरा भाई। राहुल और ये देखो मैं और अनुज दोनों। ये अनुज है, ये मैं। बच्चों से जानते हैं, तुमने सगाई की फोटो देखी अपने मम्मी पापा की, कौन ज्यादा सही लग रहा है मम्मी या पापा? कंफ्यूज डॉली कह रही मम्मी का ही नाम ले लेती हूँ, सब कहते हैं मम्मी पे गई है क्या? तभी तुम दोनों भी तो अजीब ही हो। मम्मी के इतने लंबे लंबे बाल और पापा के बाल ही नहीं है। चलो दीदी ये तो हो गई सगाई की बात। उसके बाद बताओ शादी को कितना टाइम था आपकी सगाई से लेके शादी? 7 महीने बाद दीदी की हुई शादी। आप देख सकते हैं ऐसे लग रहे हैं ये दोनों स्माइल करते हुए। तो दीदी शादी में आपने जैसे हमने देखा लहंगा पहना था, तो कहाँ से लिया था आपने लहंगा बताओ? उत्तम नगर से ही लिया था हमने लहंगा। हाँ। और उस टाइम जो है फिश कट बहुत चलता था, बहुत ट्रेंड में था, मैंने फिश कट लहंगा लिया था उस टाइम पे। और दीदी की शादी की शॉपिंग के लिए एक लड़की और थी, ये तन्नू, जो की जोधा अकबर वाली ज्वेलरी ली थी दीदी ने। और जो की तन्नू जो की उस टाइम कितने साल की थी? 11 साल की तन्नू थी तब। इसको भी दिखाएंगे हम आपको कैसी थी। और इसको अगर देखोगे ना असली ट्रांसफॉर्मेशन तो इसका देखोगे। पहले एल्बम में आ जाती थी, अब ये एक पूरी एल्बम में अकेली बंदी नहीं आती। तो अनुज और मैंने ली थी अपने अपने लिए शेरवानी, और मेहंदी के लिए हमने कोट पहन लिया था, है ना? देखते हैं अभी कैसे लग रहे। स्मार्ट ही लगेंगे हम, देखा नहीं अभी सगाई में। अगर तब आ जाता मैं तेरे को देखने दिव्या, तू तो भगा देती। ये चश्मे वाला कहाँ से आ गया? पापा कह रहे ये भी तो ऐसी रही होगी यार, ऐसी थी भाई तू। अब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे व्यूअर्स कंफ्यूजन में ना आए कि हमारी सगाई की एल्बम में तो है आनंद संग पूजा और आनंद संग पूजा, और शादी की एल्बम में है पूजा वर्ड्स कमल नयन। तो आप ये दो लड़के ना समझे, एक ही लड़के से मेरी शादी हुई है, इनके दो नाम है। नाम दो है। तो अब आप क्या पुकार? ऑफिशियल नेम है इनका कमल नयन और आनंद जो है। कितना आनंद आ रहा है। और इस फोटो में इन्होंने खास हैप्पी डेंट गाई थी। तो 7 महीने का टाइम था दीदी की सगाई से लेके शादी तक, तो तैयारियां अच्छे से हो गई थी। और शादी भी वहीं हुई थी ना मधुबन में, शादी भी वहीं। और शादी में जीजू कितने लोग आए होंगे बताओ? बहुत, 3-4 हजार थे, है ना?
चार मतलब बहुत उस टाइम की हमारे टाइम की सबसे ग्रैंड शादी भी कह सकते हैं आपसे बहुत लोग थे बराती बराती आप फोटो देखेंगे आपको खुद लगेगा जब यहाँ के दिल्ली वालों ने एल्बम देखी ना टेलर अंकल की बात कर रही हूँ उनकी वाइफ ने बोला था एक बारी तो कह रहे ये क्या है इतनी इतनी भीड़ कौन बुलाता है मतलब वो हैरान रह गए इतनी भीड़ देख के और इतना तो पापा हमें भी नहीं था ना आइडिया कि इतने लोग आ जाएंगे नहीं हमारे सारे लोग वहीं रहते हैं ना लोग कर रहे हमारे लोग का एरिया हो गया तो हमारे लोग भी थे और दोनों फैमिली ऐसी थे ना कि अब रिश्तेदार भी उनके भी रिश्तेदार हमारे भी रिश्तेदार तो इस वजह से पूरा वो हो गया तो आपको था कि 2,500-3,000 आएंगे 3,500 से ऊपर थे हैं 3,500-4,000 थे इतनी और ये देखो वहाँ व्लॉगिंग चल रही है यहाँ ये नीचे फोटो देख देख के हंस रहे हैं ये देखो ये रही तन्नु दीदी की शादी में और ये रहा अनुज बीच में ये मैं ये देखो और ये देखो दीदी नशे की गोली खाए रखी थी तो मेहंदी में जो स्वेटर पापा ने पहनी है ना आज देखो व्लॉग में रखी है ये। और आज के लिए रखी थी कि जब ये व्लॉग बनेगा ना तो उस दिन पहनूंगा तो देखो ये भी कोइंसिडेंस हो गया हमारे साथ ये देखो ये पीछे अंकल आंटी ये हमारे पड़ोसी सब पहुंचे थे वैसे वहाँ पे जितने लोग पहुंच सकते थे बहुत लोग पहुंचे थे और तन्नू के मम्मी पापा की गाड़ी को पुलिस वालों ने पकड़ भी लिया था क्योंकि उसमें ये पेटियां ला रहे थे दारू की और ये देखो गाइस हल्दी की फोटो हल्दी में ऐसे ऐसे लग रहे थे और गाइस ये देखो ये जो अभी बांध दे रही है ये तन्नु है तेरे को कैसा लग रहा है मतलब अब तो तेरे को क्या लगता है तब ठीक थी या अब ठीक है अब ठीक है और ये देखो गाइस हम सारे कजन और मैंने ज्यादा पीली थी लग रहा है इसलिए मैं गिर गया हूँ और ये देखो यहाँ पहुँच गई थी बारात वेडिंग पॉइंट पे तो जीजू क्या कुछ फेशियल वगैरह करवाया था खास शादी के लिए या फिर ऐसी सच सच बताना फेशियल तो नहीं करवाया था लेकिन उस समय एक नए नए वो चला था एक साबुन टाइप का फेशिया हाँ फेशिया चंदन का टुकड़ा होता है बार चलता था सही बताओ नाई के पास जाके कुछ नहीं करवाया फेशियल नहीं भाई मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि इन्होंने करवाया था अच्छा बताना नहीं चाहते आपके साथ गया था ना उसने बता दिया मैं खुद ही गया था तो गाइस इसमें अब जीजू तो कह रहे हैं नहीं करवाया था कुछ आप ही देखो फोटो और बताओ कि चमक रहे हैं उस टाइम या नहीं चमक रहे यहाँ देख सकते हैं मिलनी होते हुए पापा ससुर जी के गले में डालते हुए माला दुल्हन की एंट्री होते हुए और अनुज और मैंने पहनी है शेरवानी ये देखो इनको देखो ये देखो ये देखो मैंने पहनी है ब्लू कलर की शेरवानी काफी अच्छी लग रही है हाँ किसी ने देखा गौर करे जयमाला और ये देखो जयमाला होते हुए गाइस ये देख सकते हैं आप मम्मी पापा की फोटो आशीर्वाद देते हुए दूल्हा दुल्हन को और मम्मी ने पहनी मम्मी आपको याद था ये वाली साड़ी पहनी थी आपने पिंक कलर की साड़ी अभी है आपके पास ये उसी दिन पहनी हाँ उसके बाद अभी तक नहीं पहनी अच्छा और दीदी आपका लैंग नानी के सिर्फ ऊपर के दांत थे तेरे पापा के भी तो दीदी आपने ये लहंगा यूज करा उसके बाद हाँ मैंने दो बार पहले एक तो फर्स्ट करवा चौथ में पहना हाँ। और अभी कुछ पिछले 3-4 साल पहले भी करवा चौथ में पहना तो मैंने दो बार यूज हो गया मतलब और तन्नु पता है क्यों हंस रही है गाइस क्योंकि तन्नु को अपने आप को देख लिया तन्नु ने अपने आप को देख लिया मैं तो मर्द फेस देखो ना तन्नु यार तू कितनी गंदी थी शक्ल में यार ये इतनी शादी में थी यार मैं फॉरनर हूं हमारे इस ब्लॉग में दिव्या भी इन्वॉल्व है क्योंकि हम पहले से जानते थे आपने पहले ब्लॉग से भी देखा है और रुचि क्यों नहीं कुछ बोल रही है क्योंकि भाभी आप कहाँ थे 2010 में अपने घर कौन से क्लास में थे तब आप 2010 में तो पास आउट हो गए थे हाँ और ये जेठी माँ दीदी को गहने पहनाते हुए गहने जरूर दिखा रही है दीदी हैं चाहती है हमारे व्यूअर्स को पता चले कि हमने गहने दिए हैं और ये अनुज सो रहा था उस टाइम तो हमने एक रिक्शे वाले को बुला लिया था अनुज जैसा दिखने वाला रिक्शे वाला बुलाया था हमने और ये देख सकते हैं जीजू दीदी की मांग भरते हुए छोटी सी दीदी दीदी और वरमाला में क्या हुआ था वरमाला बताओ यार जैसे आप लोगों की हाइट में इतना वो है डिफरेंस है जीजू आप थोड़े से आपको तो वैसे भी ऊपर होने की जरूरत नहीं पड़ी होगी है पापा साथ
मुझे जरूरत पड़ी थी, इसलिए मेरे भाइयों ने हेल्प कर दी थी, उठाया था तो हमने उठा लिया था। सीढ़ी लगा के पहुँचना पड़ता वरना तेरी मम्मी को, तब पतली थी ना तेरी मम्मी तेरी तरह। और ये देखो मेरी डोली, मैं डोली में। हाँ दीदी की जो विदाई हुई थी वो खास डोली में हुई थी, पापा चाहते थे डोली में ही हो दीदी की विदाई, इसीलिए इनकी दूसरी बेटी का नाम। मैं भी चाहती थी कि डोली में ही जाऊँ मैं। हाँ ये देखो, और ये दहेज, दहेज लिया उस टाइम पर है जीजू, आपने दहेज लिया, अभी बताते हैं। ये मेरे लिए, ये गाड़ी मेरे लिए भी सरप्राइज थी, मुझे भी नहीं बताया गया था कि पेरेंट्स जो है मुझे मेरे गाड़ी। तो ये हमने दीदी को देखो उस टाइम पर गाड़ी वाली दी। आपको ये गाड़ी केवल अनुज रावल की डिमांड पे गई। हाँ ये तब पढ़ते थे, अभी भी है लेकिन हाँ, इसके पीछे भी एक राज है जो मैं बताना चाहूंगा। हमें तो ये था कि पापा बोल रहे हैं कि मैं बाइक दे रहा हूँ, क्योंकि करिश्मा उस वक्त नई बाइक चल रही थी, तो पापा ने बोला था नहीं नहीं मैं बाइक दूंगा, और हमें पता भी नहीं कि पापा कब गाड़ी लेके आ गए थे वहाँ पे। पर हमने बोला डिमांड इनकी थी कि नहीं पापा जब बाइक देनी तो गाड़ी दे दो। अनुज और मैंने थोड़ा सा जब फोर्स करा तो पापा मान गए कि चलो ठीक है यार दे ही देते हैं गाड़ी दीदी को। मेरे पास अभी भी गाड़ी है। फिर मैंने पूछा दीदी को, दीदी बच्चे जिद कर रहे और उसको बीमा को, बीमा कहती हुई कि जब जिद कर रही तो दे दो ना, कोई बात नहीं, बच्चे शादी एक ही बार होती है और बच्चों की डिमांड है, ये तो तुम्हें खुशी है होनी चाहिए। कि आजकल के बच्चे ये कहते कि इतना मत दो, और तुम्हारे बच्चे कह रहे, तो इस वजह से फिर इसके पापा ने कहा चल गाड़ी देते, लेकिन बच्चों को भी तब पता चला जब हमने गाड़ी ले आई। नहीं जाते वक्त तो खैर हमें पता चल गया था कि लेने जा रहे हैं आप, और ये अभी भी हम इस गाड़ी से आते जाते हैं। और मेरी शादी को 14 साल हो जाएंगे फरवरी में, ये मैं बोलती हूँ कई बार इनसे कि अब हम निकाल देते हैं इसे, पर ये कहते नहीं, ये निशानी है भाई मेरे पेरेंट्स की, तो कहीं बाद में बोले कि अच्छा मेरे दी हुई गाड़ी निकाल दिया आपने, आप ही लड़ोगे इस बात पे। ये भी सोचते होंगे क्या पता। ये देखो विदाई, और ये विदाई में दीदी के आंसू आ तो नहीं रहे थे। क्या रोना होता है बहन की शादी में, पोज नहीं मारने होती। और ये देखो, ये शायद मेरा वजन इसे ज्यादा लग रहा है, तो इसका शक्ल ऐसे हो रहा है कि बस ये ऊपर से रो रही है। तो मैं और अनुज तो रोए नहीं इस शादी में। मेरे को लगता है कि दीदी की शादी में शायद कोई पापा और मम्मी को हंसते गए थे, और क्या, हम तो हंसते हंसते नाचते नाचते। तुमने मुझे बोला था कि अपनी गाड़ी में दीदी चिप्स वगैरह रख लो, खाते हुए जाना, अगर ज्यादा दूर होगा तो खाते हुए जा रहे हैं। और हम कुछ भी तो गए थे। यहाँ देखो ये है सीन, पापा रो रहे हैं, बेटी के गले लग गए, दामाद जी हंस रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से लास्ट ही हंस रहे होंगे बस। और उसके बाद जीजू मैं आज हंस लेता हूँ, मिले ना मिले। और दीदी को गुस्सा ज्यादा इसी फोटो को देख के, अच्छा मेरे रोने में हंस रहे थे, आप बता दी, आप नहीं हंसने दूंगी कभी। इमोशनल सीन पे कोई हंस कैसे सकता है, तो मैंने इनकी हंसी जो है उसके बाद से ब्लॉक कर दी, गायब कर दी। नाना जी आप और मम्मी के गले लगे हुए हो। नाना जी तो रो रहे हैं। मम्मी आप रोए थे? नहीं भाई, मम्मी से ज्यादा पापा, ये मम्मी भी कहती है कि पापा बहुत ज्यादा इमोशनल। तो थोड़ी सी मैंने कहा दूसरी जगह पे संभालना भी है, पर पापा तो अंदर गए और पानी से मुंह धोए बाहर आए, और मेरे को भी वैसे ज्यादा नहीं आ रहा था शुरू में, मतलब नहीं आया इतना, पर पापा के रोने के बाद मुझे बड़ा वो, और इनके हंसने को देख के मुझे और गुस्सा आ गया। शालू दीदी के बाबू, दीदी के साथ ज्यादा अटैचमेंट था है, हर जो लड़कियां होती है वो पापा की परियां होती है भाई, मेरी डॉली भी है जैसे मुझे अपनी श्रीवी के साथ है। डॉली की इसके पापा से आज हम मार्केट गए और हम अर्णव को लेके गए, इसके पापा और डॉली को लेके गए, और डॉली के लिए कुछ लाए भी नहीं। डॉली के लिए तो सब ले आई है खरीद के, और अर्णव के लिए कुछ भी नहीं लाए, क्योंकि मम्मी का मगरमच्छ है और वो पापा की परी है। तो गाइज ये थी दीदी और जीजू की शादी और मिलने की स्टोरी। तो दीदी क्या लगता है कैसी लगी होगी व्यूअर्स को? अब ये तो आप व्यूअर्स ही बताएंगे। तो हमारी स्टोरी बिल्कुल सिंपल जैसे होती है, एक अरेंज मैरिज में, एक अरेंज मैरिज में जैसे होता है, घरेलू स्टोरी, घरेलू स्टोरी की पेरेंट्स ने तय कर दिया, बस हम लोगों ने एक खाना पूर्ति करी की हाँ देखना है मिलना है, और बाकी तो पेरेंट्स ने कर ही दिया, और उसके बाद जो प्रोसीजर था सगाई शादी वैसे ही, परमात्मा की कृपा से आज 14 साल हो गए होने आ रहे हैं अभी फरवरी में, और सब ठीक चल रहा है, खट्टा मीठा जो भी है अच्छा चल रहा है। आशा करते हैं कि आगे भी हमारी लाइफ ऐसे अच्छी चले, और आप लोगों से भी आशा करते हैं कि आप हमारे इस ब्लॉग को प्यार दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और राहुल कुरियर के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।